जपजी साहब अंदर भी पढ़ते हैं कि गुरु के कोलों ये मंग मंगनी चाहिए है, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। दूसरी उन्होंने गल की कि असी गुरु का दर छड़ के एक नूं छड़ के कभी किसी दर पर जाते हैं तो कभी किसी दर पर जाते हैं। बाणी का वाक है, तर जीअरे एक टेक तू लाहा बेडानी आस नानक नाम ते आईऐ कार दियावै रास। जां एक अदीब ने बड़ा सोहना लिखा है, जिस दर पर चुके ना सर उसे दर नहीं कहते, जो दर दर पर चुक जाए उसे सर नहीं कहते। और अखीर ते उन्होंने एक होर बेनती की है कि ये जो असी सिरां ते दस्तारां देख रहे हाँ, जो साढ़े कोल अज माणमता इतिहास है, ये केवल गुरु की देण है। और ओ महान सूरबीर योधे जिन्हां ने अपना खून डोल के ते साड़ी ये सरदारी जिहड़ी है कायम रखी है। इत्थे आजादी देण वाले दावा करदे ने कि शायद असी चरखा घुमा के ते आजादी लिआंदी है। कोई किसी तरह का कहता है कि असी माला फेर के कोई जाप करके इस तरह आजादी प्राप्त की है। एक अदीब ने बड़ा वधिया लिखा, कहिंदा गांधी वांग नहीं चरखे चलाए असी, खुद आप चरखड़िया ते चढ़े हुए हैं। जिन्हां स्कूलों च सिरां दी फीस लगती असी उन्हां स्कूलों च पढ़े हुए हाँ। नहीं डरपोक अहिंसा दे पुजारी असी, असी लहू अंदर लाइया तारियां ने, सानू एवें नहीं लोग सरदार कहिंदे, सिर दे के लिया सरदारियां ने। इस इन्होंने दस्तार की गल की कि असी माण सत्कार ताही हासिल कर सकते हैं मीडिया के अंदर भी, जे असी सिरां दे उपर सोहणियां दस्तारां सजाइए। इहदे वास्ते छोटे बच्चों के दस्तार सिखलाई के कैंप लगने चाहिए ने गुरुद्वारा साहबाना के अंदर, स्कूलों के अंदर, ताकि जिहड़े बच्चे ने शुरू तो इस माहौल के अंदर पढ़ और वह वड्डे होकर भी दस्तार सजाते रहन। ते अखीर ते सतगुरु जी की जिहड़ी देण है उस बाबत एक कवि ने यह बोल लिखे ने, ना कहूँ जब की ना कहूँ तब की बात कहूँ मैं अब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुनत होती सब की। इसलिए गुरु की जिहड़ी देण है उसनू कदे भुलाया नहीं जा सकता। आओ हुण कुछ समा असी इत्थे सवाल विचारने हैं, राधे दीवान के कुछ सवाल साढ़े कोल बकाया रह गए सन। मैं बेनती करांगा कि प्रिंसीपल ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पन्नवा उस स्टेज उपर आ जाण, आप जी वालों आए हुए सवालों के वो जवाब देंगे। तो नाल ही बेनती है कि होर भी जे किसी माई भाई के मन में गुरबाणी नाल संबंधित इतिहास नाल संबंधित जां सिख रहत मर्यादा के बाबत कोई मन में शंका कोई सवाल कोई दुविधा होवे वो आप जी लिखती तौर पर साढ़े पास भेज दौ। जिनी सतगुरु जी ने बख्शिश की है सोझी वो आधार पर आप जी के नाल विचार साझिया कीतियां जाणगियां। और जेडे माई भाई बाद विच भी इन्हां विचारां नूं सरवण करना चाहुण ते उन्हां दी जानकारी वास्ते कि ये सारे सिक्खी लहर के सवेरे शाम जिन्हें भी समागम होंदे हन ये सिक्खी लहर .com पिछे तुसी बैनर के उपर भी पढ़ सकते हो, एड्रैस दिता होया वैबसाइट का, तुसी घरां विच बैठ के इंटरनेट के राही ये सरवण कर सकते हो। तो जिन्हां दे कोल एंड्रॉयड फोन हन वो गूगल प्ले स्टोर में जाके अपने मोबाइल में सिक्खी लहर रेडियो ये लिख के सर्च करो, डाउनलोड कर लवो। तो 24 घंटे इंटरनेट द्वारा ये रेडियो चलता है तो हमेशा तुसी गुरबाणी के इतिहास में सरवण कर सकते हो। आओ रात के सवालों के एक सवाल ज्ञानी जी होना वास्ते ये सामने रखा जा रहा है। ये सवाल आया जी, नाम सिमरन की है? इहदा जवाब देंगे ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पनवा। नाम सिमरन की है तो यह किवें किया जाता है जी? गुरु प्यारे प्यार विच भिज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नाम सिमरन, नाम परमात्मा नूं याद करना। परमात्मा नूं किवें याद करना? परमात्मा का रूप नहीं, परमात्मा का रंग नहीं, रूप ना रेख ना रंग के त्रिगुण ते प्रभ भिन्न। फिर रब नूं याद किवें करना? रब के गुण ने,
ਉਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਵਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਹਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੈਲ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਧਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ 'ਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਧੀਰਜ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ, ਪਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਧੀਰਜ, ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਧੀਰਜ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਲ, ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਇਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਏ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਚੇ ਕਰਮ ਹਦੂਰ, ਫਿਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਧੀਰਜ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ। ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੋਲ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਕਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸਿਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਇਹ ਭੋਜਣਾ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਭਉ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਰਾਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੌਲੀ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਿਰਭਉ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਤੀ, ਕੰਮ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨਿਰਭਉ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ।
पर डर दे साए थले बंदा जीव रहा। नाम सिमर का अर्थ आ रब दे गुणा का धारनी होना, हर वे धारनी हो के उहदे विच विचरना। एक सवाल राती बच्ची ने किया सी, बड़ा खूबसूरत है। छोटी जी बच्ची ने सवाल किया सी कि यह बुरियाई रब ने क्यों बनाई है, जेडे नशे हैं ये रब जी ने क्यों बनाए जी। गुरु प्यारो चानण भी है अंधेरा भी है। सानू दो अखां परमात्मा ने दित्तियां ने, असीं दो अखां दे नाल सड़क पार करनी है। अखां बंद करके चलीए तो आप जरूर हस्पताल पहुँचेंगे, अखां खोल के चलांगे असीं अपने घर पहुँच सकते हैं। दुनिया के अंदर चंगा भी वरत रहा है माड़ा भी वरत रहा है, पर गुरद्वारे आना गुरबाणी पढ़नी इस द्वारा सानू पता लगता है चंगा की है और माड़ा की है। तुसीं देखो गुरु अर्जन पातशाह जी का राग सोठ अंदर बड़ा प्यारा वाक है कि पाठ उहदा पढ़ लेना, तीर्थां ते जा आना, दान पुन कर लेना, इहदे नाल गुरबाणी सहमत नहीं हुई। गुरबाणी का स्पष्ट फरमान है कि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवन भयंगम साधे, पांच जना सो संगना छुटक्यो अर्धे अहोमत बाधे, प्यारे इन विद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका, हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। असी गुरु के दर के उत्ते विवेक बिरती लग जानी है। विवेक बिरती की है? विवेक बिरती आ जो झूठ ते सच की पछाण करे, जो पाप ते पुन की पछाण कर सके उन्हूं विवेक बिरती आख्या गया है। एक विचार होर, दुनिया के अंदर एक कुदरत की एक नियमावली है कि जे असी ध्यान ना दईए तो कुदरत की नियमावली अनुसार बेतरतीबी वाल चीज़ां बड़ी छेती वधदियां ने। मिसाल के तौर पर माँ तवे ते प्रशादा तैयार कर रही है, जे वो तवे दे पए हुए प्रशादे वाल ध्यान ना दे वो सड़ जाएगा जा कच्चा रह गया। बेतरतीबी वाल जिहड़ियां चीज़ां ने वो छेती वधदियां ने, उन्हें तरतीब में लियाने वास्ते किसी नियम की जरूरत है। इस वास्ते सासी नियम की पालना करांगे ते चंगे कर्म करांगे। परमात्मा ने सानू दो अखां दित्तियां ने, परमात्मा सानू बिरती दित्ती आ, असी शनाख्त करनी है चंगा की है ते माड़ा की है। देखो नकली दवाई भी डॉक्टर बनाउंदे आ ते चंगी दवाई भी डॉक्टर बनाउंदे आ, ते जे उस डॉक्टर कोल गुरमत दा तत् होएगा, जे उहदे कोल गुरमत दा सिधांत होएगा, वह कदे भी नकली दवाई नहीं बनाएगा। इस वास्ते ये दुनिया का एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम आप समझ के चलेंगे तो चंगे कर्म होंगे, सिस्टम नहीं समझेंगे तो माड़े कर्म होंगे। ये दोनों चीज़ां नाल दी नाल चलदियां ने, पर गुरु की मत लै के असी शनाख्त करनी है चंगा की है तो माड़ा की है। जिवें दवाई खंघ वास्ते बनाई जाती है तो जेडे नशेड़ी लोग ने वो जो तो ज़्यादा डोज लै लेंगे ने, जां दर्दां वाली जिहड़ी दवा है वो असी फिर वो नशा चीज़ कह लाउंदी है जिहड़ी लोड़ तों वध हुंदी है। इत्थों तक कि जिहड़ी दवा है भावें कि कोई सिख शराब की वरतों करे तां वो तनखाई है, पर जिहड़ी होम्योपैथिक दवाई है उहदे विच थोड़ी जी मात्रा अलकोहल की हुंदी है, वो है जीवन नूं बचाउण वास्ते तंदुरुस्त रखण वास्ते। ते जदों असी अपनी बुद्धि दे तल ते सारा कुछ निर्णा करदे आ तो फिर वो चीज़ा नशे अखवादियां ने। एक निजम बजी हुई लाइट है जो पानी है वो साडा भला करता है, पर जे उहदा बन टुट जाए तो वह ही फसलों ते घरां नूं तबाह कर दिंदा है। इस वास्ते असी जिहड़ी चंगियाई है वह लैनी है। इत्थों तक कि शराब की बोतल के उत्ते लिखा होया कि यह सेहत लई पीणी हानिकारक है, पर फिर भी जे मनुख उस नूं पढ़ के ते फिर भुला दे ते फिर नशा अपने अंदर पावे तो इहदा मतलब वह इंसान नहीं वो पशु है। पशु क्योंकि पशु तो जानवर उन्होंने जिन्ना मर्जी समझा दीए रोक दईए वो रोकते नहीं, तो जिहड़े इंसान जानदिआं होइआं भी ये गलती करते हैं फिर वो गलती नहीं गुनाह कर रहे हैं, तो गुनाह की जिहड़ी सज़ा है वो अवश्य मिलती है। अगला सवाल एक आया जी कि की निशान साहब दीआं परिक्रमा करनिया चाहीदियां ने और की मत्था टेकिया जाना चाहिए है जी। गुरु
गुरु प्यार वाले कल निशान साहब के संबंध अंदर थोड़ा जहा विचार किया। देखो जागदियां जिउंदियां कौमां दे निशान होंगे ने झंडे होंगे है, असीं अरदास विच भी नेता प्रति बोलते हैं। तो निशान साहब पंथ प्रवान रहत मर्यादा पढ़ के देखोगे उसकी व्याख्या पुस्तक मेरे छोटे वीर हरजिंदर सिंह स्वराह होना भी लिखी है बार मिलती है रहत मर्यादा व्याख्या उस शब्द अंकित है कि निशान साहब उच्ची थान पर होना चाहिए है। निशान साहब उच्ची थान पर होना चाहिए जिहड़ा दूरों दिसे ते दसे कि इत्थे गुरद्वारा साहब है। मैं कल बेनती की सी निशान साहब का फरा मैं नहीं कह रहा भाई साहब भाई कान सिंह नाभा गुरमत मातम के महान कोश के गुरमत मातम दो पोथियां ने जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने छपवाइया ने वो जरूर पढ़िया जी। उस लिखा है कि निशान साहब का फरा दस रहा है कि अंदर तेनों लंगर मिलेगा। निशान साहब का फरा दस रहा है अंदर बहुत वड्डी लाइब्रेरी होएगी तेनों पुस्तक इत्थों मुहैया करवाइया जा सकदियां ने। निशान साहब का फरा दसदा है इत्थे ट्यूशन का प्रबंध किया जाएगा बच्चों वास्ते। निशान साहब का फरा दस रहा है इत्थे इत्थे रोगी वास्ते दवा दारू जिहड़ा मिल सकता है मुसाफर नूं मंजी मिल सकती है रात रहण दा उहनूं स्थान मिल सकता है। पर असी निशान साहब दे जिन्हें भी स्नेहे सी इन्हां चों एक भी लागू नहीं कर सके। असी सोचिया परिक्रमा कर लिया कि कम साडा ठीक हो जाएगा थड़े दे आए दुआले परिक्रमा कर लिया हुण कई थावां ते गोलकां भी रख लिया ने। यह है गुरु प्यार वालिओ मनमत साडी हालत पता की होई है। जिदा किसी अध्यापक ने कहा बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करीदा है। बच्चे ने सुन लिया घर आया अपने पेपर के उ पिता का नाँ लिख लिया थले माता का नाँ लिख लिया मोमबत्ती वड्डी लैन दी वो जगा ली वो सामने रख के पेपर बैठ गया। बाहरों पिता आया कहता बेटा की करदा कहता तुहाडा नाँ रोशन कर रहा हाँ। वो कहने लगे बेटा इदा नाँ रोशन नहीं होना पढ़ाई करेगा पास होएगा फिर जाके किसी अहदे ते लगेगा फिर साडा नाँ रोशन होना है। असी निशान साहब की किसी गल नूं मनिया कोई नहीं असी सोचा भी परिक्रमा करदे नाल साडा कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते निशान साहब के जो स्नेहे ने उन्हां स्नेहियां नूं अपने जीवन के अंदर और गुरद्वारे अंदर लागू करिए निशान साहब का सानूं लाभ हो सकता है। ये दो छोटे छोटे सवाल ने मैं बेनती कर दिंदा हाँ। ये लिखा गया जी अरदास भाई साहब जी की मुट्ठी में पैसे देने ठीक हैं? ये बिल्कुल गलत रीत है जी, क्योंकि भाई साहब भी कई बार फिर उस पास ध्यान रखते हैं कि शायद कोई जेब विचों निकल जाए। बाणी तो असं ये पढ़ते हाँ जो मांगया ठाकुर अपने तो सोई सोई तो अरदास करने वाले का भी जो ध्यान किसी की जेब वाल है यदा मतलब कि अजे उन्हूं आप ही भरोसा गुरु ते नहीं बनिया। ये जो पैसे ग्रंथी सिंह नूं दिते जांदे ने जां कीर्तन वाले नूं कथा वाले नूं ये गुरु साहब नूं खुश करन वास्ते नहीं बल्कि ये उहदे घर दे गुजारे वास्ते है। घर दीआं जरूरतां लोड़ां हन जो उहदे वास्ते असीं दिंदे हां ये पहलां जां बाद विच वी दिते जा सकदे ने। ते मन विच ये भरम नहीं पालना कि जे मैं ज़्यादा पैसे देते तो शायद अरदास होर गांह चले जानी है जे मैं ना दिते तो अरदास पिछे रह जानी। तो अरदास सिख नूं चाहीदा कि आप करे ये कोई बहुती वड्डी गल नहीं है। जिहड़े तुसी नितनेम दे गुटके देखदे हो उहदे विच अरदास दित्ती होई है तुसी आप उहनूं पढ़ सकदे हो ते याद कर सकदे हो। गीत सानूं बड़े याद आ ते अरदास छोटी जी वो याद नहीं हो रही। अगे छोटा जिहा होर सवाल सी कि कड़ाह प्रसाद किहड़े बर्तना विच होवे? कोई भी बर्तन हो सकदा जी पर जिहड़ा बर्तन है वह साफ सुथरा होना चाहिए किसी भी धात का हो सकता है जिहदे तों किसी नूं कोई बीमारी जां एलर्जी होने का खतरा ना हो किसी भी धात का बर्तन हो सकता है। तो जिहड़ा कड़ाह प्रसाद वरतौण वाला वीर है सेवादार है उहदे भी हाथ चंगी तरह साफ होने चाहिए ने क्योंकि अजकल सानूं चमड़ी के बहुत सारे रोग लगे हुए हैं। एक सवाल आया जी 83,99,999 जूना भोग के जब मनुखा जन्म मिलता है तो फिर गरीब अमीर छोटा वड्डा उच्चा नीवा किवें पैदा हो जाता? जब सारिया जूना भोग ही लिया तो फिर मनुखा जन्म वधिया क्यों नहीं बनिया? सारे इको लेबल विच क्यों नहीं हुए? ये 84 लाख जूना नाल संबंधित है। मैं बेनती करांगा कि ज्ञानी जी संखेप विच इस ते विचार दे।
गुरु प्यार वाले ये सवाल विस्थार बहुत मंगता है। दो पुस्तकों ने दस दिया बाहर विरले किन्ने विचार है उहदे विच भी है ते की असीं न्यारे खालसा हाँ उहदे विच भी है संखेप शब्दों में। सवाल बड़ा प्यारा है अजिहे सवाल आने चाहिए। गुरु प्यारे असीं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ते हैं जिहड़े साडे रीति रिवाज ने वह गरड़ पुराण दे ने। और सवाल पैदा होता है बंदा 84 लाख जूना भोग के आया असीं कहिंदे जो बंदा मर जाता तो धर्मराज उहदे कर्मां का फैसला करता उहदे कम्मां दे हिसाब नाल उहदे कम्मां दे हिसाब नाल उहनूं जूना मिलदियां ने। जिहड़ी मनौत बनी हुई है ध्यान देना, एक मनौत बनी हुई है कि बंदे ने माड़ा कर्म किया तो धर्मराज कहिंदा भी चल भाई सूर दी जूने और सूर दी जून भोग के आ गया। धर्मराज को हाँ जी फलाना बंदा जी कहिंदा जी बड़ा माड़ा कर्म किया कि जून भोग गया कहिंदे सूर दी हुण कहिंदे कुत्ते दी जून पा दिओ चलो कुत्ते दी जून यानी कि वह रब दे वह धर्मराज के कहे अनुसार मनुखी जीवन में जोड़े माड़े कर्म किए थे 84 लाख जूना उन्हें भोग लिया ठीक है जी कम निबड़ गया। हूँ बंद ने जन्म ला लिया हूँ फिर उन्होंने दुख आ रहे तकलीफा आ रही ने असं की कहने असं कहने जी पिछले कर्मा का किया कमाल की बात है बई 84 लाख अभी भोग आए हैं हूँ फिर सू दुख तकलीफ होता अर्थ है इंसाफ नहीं है साढ़े मुल्क अंदर ज कितने भी एक बार कोर्ट में सजा हो एक गनाह की दो सजाव नहीं है असं एक एक गनाह के 84 लाख भोग आए फिर भी सानू इस वास्ते गुरु प्यार वाले 84 लाख मुहावरा है 84 लाख जूना का एक मुहावरा है थोड़ा होर समझिए। कई दफा इदा दिन गल् भी बन जाएं ने भी फलाने पिंड बंदा मर गया जी उन्होंने धर्मराज को लै गए तो धर्मराज कहता जी कौन आ कहते फलाने पिंड का फौजा सिंह है तो धर्मराज कहने लगा ये बंदा नहीं लिया फलाना बंदा लै के आना सी कहते वह बंदा जूंदा हो गया नाल पिंड का बंदा मर गया। गुरबाणी कहते भुलने अंदर सब को आ भुल गुरु करतार असं रब न भी भुलक्कड़ बना दिता। इस वास्ते गुरु प्यारे जो गुरबाणी अंदर जमना मरना उन्होंने समझिए। गुरबाणी अंदर जमना मरना की है एक तो जन्म माँ की कुख तो लिया असं शरीर छड़ जाना यह है जमना और मरना। गुरबाणी अनुसार जमना कहड़ा है गुरबाणी अनुसार जमना है सतगुरु के जन्मे गमन मिटाया साडा जन्म दुबारा होना जिस तरह कहड़ा चलो अज एक प्रण करके जाइए कि साडे घर जिहड़ियां पौणा नमां टोपियां ने सिर ते पाउण वालियां अज तो बाद ये नहीं बननियां ये छड़ दोगे तो दस्तार वाला तुहाडे घर जन्म आ जाएगा जे तुसीं ये टोपियां लोगे तुहाडे बच्चे टोपियां कोई नहीं लैणगे। इस वास्ते साडा जिहड़ा नवा जन्म है दस्तार बनने वाला ये हो जाएगा ये सतगुरु के जन्मे गमन मिटाया नवे विचार आ जाने पुराने विचार मर जाने ये नवा जन्म है। ये 84 लाख जून जो मुहावरे है आवागमन का जो मुहावरा है इनू गुरबाणी के असी भाव अर्थों में थोड़ा जहा लैके जाने का यत्न करांगे फिर सानू पता लगेगा कि 84 लाख जूना की ने आवागमन की है। असी शब्द लेने गुरु ग्रंथ साहब जी का व्याख्या कर रहे होंगे गढ़ पुराण की हूँ गुरबाणी मृत किनू कहती है ख्याल करियो आखा जीवा विसर मर जाऊ इन क्या जमना मरना तो फिर अत सुंदर कुलीन चतर मोहग्ञानी तलवंत मृत कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। गुरबाणी ने जिंदे जी सानू जूना विच जिहड़ा है वह समझाया होया है कि अत सुंदर कुलीन चतर मोहग्ञानी तलवंत मृत कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। तो होर बड़े प्रमाण सानू मिलते गुरबाणी विचों कि देखने असीं मनुख लगते हैं पर साडा सुभाव पशुओं वर्गा है साडा सुभाव जिहड़ा है वख वख जूना वर्गा है जिस तरह करतूत पशु की मन जात मानस मूर्त नानक नाम करनी कुत्ता दर फरमान। हुण अगला जिहड़ा सवाल है बड़ा अहम है समाप्ति का थोड़ा वधीए कि जदों 84 लाख जे जूना जां साडी इकसारता जां साडा कोई अमीर है गरीब है सहूलतां नहीं है इहदा की कारण है। इहदा कारण मैं असीं दुपहरे भी एक परिवार वाल बैठे सी उत्थे भी थोड़ा बहुत विचार टंगरा होया सी शामी विचार टंगरा थोड़ा जिहा होया इस गल नूं आपां समझीए। जे तुसीं अखबारां पढ़दे होवोगे फिर तुहानूं 1.5 साल पुरानी इह गल याद आएगी कि चंडीगढ़ विच इक बच्ची ने बच्चे नूं जन्म देना है वह पी जी आई गई तो पी जी वाले कहण लगे कि यह हस्पताल बड़ा महंगा तुसीं इहनूं सिविल हस्पताल लै जाओ। वह बच्ची सिविल हस्पताल चले गई तो सिविल हस्पताल वाले कहन लगे डॉक्टर के पहला लाइन च लगो फाइल बनाओ उधरों बच्चे नूं जन्म हो रहा वह कहिंदे फाइल बनाओ। गुरु प्यारे वो बच्ची लाइन में लग गई
उत्थे लाइन च लगे बच्चे ने जन्म देता जमीन ते डिग भी डैथ हो गई। यानी साडे मुल्क दे अंदर किन्ना भजन हो रहा किन्नी बंदगी हो रही है लाइन च लगी हुई बच्चे ने बच्ची ने बच्चे ने जन्म दिता है बच्चे डैथ हो गई। पर बाहर के मुल्क अंदर विकसित मुल्क के अंदर जदों बच्चा जन्म ला लैंदा उस तो लैके 18 साल तक उसकी पेंशन लग जाती है कि उत्थे रब हो रहा इत्थे रब हो रहा। यह है बद इंतजाम सरकारां दा, यह रब का कसूर नहीं है, यह सरकारां दा मनुख दा बद इंतजाम है। इस वास्ते जिहड़ियां सरकारां ने सोहना प्रबंध किया है उन्हां मुल्कां दे दुनिया जा रही है, पर साडे मुल्क अंदर तुसीं देखो ना अजे तक सीवरेज नहीं साड़ी सरकार पा सकी। बाहर के मुल्क इदा दहनियां इदा दालियां तुम कित भी मिलनगिया नहीं, विकसित मुल्क गंदगी के ढेर नहीं मिलने। गुरु प्यारे ये हूँ रब का कसूर थेड़ा होना गंदगी के ढेर जो पाने थान थान खिलरे हुए हैं, ये रब का कसूर नहीं है। अगली गल जिस जून के अंदर भी कोई जीव है वह मरन वास्ते तैयार नहीं है, सप न मरो मरने तैयार नहीं है, घुग्गी मरो मरने तैयार नहीं है। हर जून अपने थान के उत्ते बड़ी खुश है, तो जे आखिए मनुखा जन्म बड़ा चंगा आ तो मुकाबले बाहर के मुल्क बिल्लियों का कुत्तों का जीवन देखो तो बहुत सारे वीर बाहर के मुल्क गए हो गए। एक कुत्ता रखना हो दस दस हज़ार साल के डालर उन्होंने यानी खुराक के उत्ते इंशोरेंस के उत्ते मैडिकल के उत्ते खर्चा आ जाता है। तो साडे मुल्क अंदर पुलों के थले रह रहे लोग जूने चंगे जो चंगी है। इस वास्ते गुरु प्यार वाले ये जरा सुख दुख ये मनुख के विकास अंदर सरकारां दा साडा बंद इंतजाम है, ये रब दा विच कोई भी कसूर नहीं है। रब निर्वैर है, रब मिठ बोलड़ा है, उहदा किसी का कोई वैर नहीं है। बड़ा सोहना ज्ञानी जी होना ने दस्या कि जिहड़ियां बाणी के अंदर असीं जूना दे 84 लाख जूना पढ़ते हाँ जां आवागमन है जन्म मरण है, इस तरह होर बहुत सारे लफ्ज ने जिहड़े मिथिहास विचों जां दूसरे मतां दे बाणी दे अंदर वरते गए आ पर वह सानू समझाउण वास्ते आ। इस तरह पशु पंछी है बनस्पति है पहाड़ है जिन्ना चो करदा इहदे विचों सतगुरु जी ने उदाहरणां लै के ते सानू समझाया है। असीं उहनां उदाहरणां नूं गुरमत नहीं समझना। बाणी अंदर तां काम धिन गऊ दा भी जिक्र है, पारजात रूख दा भी जिक्र है, पारस जिहड़ा है असीं कहिंदे उहदा भी जिक्र है, पर सतगुरु जी ने जिहड़ा पारस दस्सिया गुर पारस हम लोग मिल कंचन हुआ आराम, गुरु पारस है। इहदे नाल जेकर साडा मन छोह जावे असीं अपने जीवन नूं जोड़ लईए तां साडा जिहड़ा जीवन है सोने वर्गा शुद्ध ते कीमती बन सकदा है। किसी भी चीज़ के अंदर जे उहदा अंदर वो गुण नहीं तां उस चीज़ के कोई फायदा नहीं। जे माइक है ये आवाज़ आ रही है ता ही असी इस वरत रहे हैं, जे आवाज़ ये ना दे खराब हो जाए डेड हो जाए तो यदा सानू की लाभ है। इस तरह जेड़े इंसान के अंदर इंसानियत वाले गुण नहीं आते सतगुरु जी की पावन बाणी ने कहा कि वह इंसान नहीं है बल्कि वह जानवर है। नवें पातशाह जी का पावन श्लोक सारियां नूं याद होएगा क्योंकि भोगते समय असी पहुँचते हाँ। गुरदेव जी ने किड्डा प्यारा वाक रखिया है एक भगत भगवान जिन प्राणी के नाहे मन, कह लगे जिन्हां दे मन विच एक भगत एक रब जी की बंदगी नहीं भगती नहीं। एक भगत भगवान जिन प्राणी के नाहे मन जैसे सूकर सवान नानक मानो ताहे तन। वह इंसान नहीं बल्कि उन्हां दा शरीर ते मन कुकर वर्गा ते सूर दी न्याई है जिन्हां दे जीवन अंदर इंसानियत वाले गुण पैदा नहीं हुए। एक दो बेनतियां होर ने कि बाहर किताबों का स्टाल लगा हुआ है, बेनती है कि दो दो चार चार किताबा जरूर घर लैके जाओ। गुरबाणी दियां सीडियां ने बहुत घट कीमत के उपर दित्तियां जा रही ने क्योंकि जिहड़ियां विचारां जे तुहानूं चंगियां लगियां ने बाद विच वी पढ़नियां चाहो सुननियां चाहो तो उन्होंने द्वारा ये चीज़ संभव हो सकती है। खास तौर पर जिहड़े मापे जिन्हां दे बच्चे अजे छोटे छोटे ने उन्होंने गुरबाणी नाल जोड़न वास्ते उत्थे बहुत छोटिया छोटिया जिहड़े कि बेसिक कंसैप्ट गुरबाणी दे ने उहदे नाल संबंधित उत्थे किताबां ने साखियां वालियां किताबां उत्थे मौजूद ने क्योंकि बच्चियां वल सानू ध्यान देना चाहिए जदों वड्डे हो जाते हैं फिर असीं पछताउंदे आ। बच्चे तो मानो जिवें एक कुम्हार एक भांडे की घाट घटता है कच्ची मिट्टी के नाल वो भांडा बनाउंदा है ते जदों भांडा बना रहा हो जो चीज़ चाहे वह बना सकता है। एक हाथ अंदर हुंदा एक बाहर हुंदा भावें सराही बना दे घड़ा बना दे चाटी बना दे पर जदों घड़ा पक जाए
ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਉਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਭਾਅ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਈ ਭਾਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਨ ਘੜਤ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਟਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਟੁਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁਟਕੇ ਨਾ ਛਾਪੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਸਪਤੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਪਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਿੰਦੇ ਸਹਿਤ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਸਾ ਆ ਸਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਮੰਥਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋਟੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬਈ। ਸਲਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ? ਆਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਜਲ ਲਓ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਲਾਦ ਲਓ, ਭਾਜੀ ਦਾਲ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੱਟਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੱਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੱਟਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਟਣੀ, ਆਹ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤੋ ਵੀਰ ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਸਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਪੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ,
लेकिन आम करके एक एक दो दो उठने शुरू हो जाते हैं। संगत ने बहुत एकाग्रता दिखाई है, बड़ी एकाग्रता के नाल संगत ने सारे पुराण सुनिया है। जो महसूस किया है कि कुछ कु बच्चे जेडे परिवार तो पता नहीं ज अथरे ने ज परिवार का क्या नहीं मानते, वह गली में जरूर घूमते जाए, थले हार में तो नहीं घूमे पर बाहर जरूर। मैं बेनती करा सारी संगत की जिम्मेवारी है, असी अपने बच्चों आवारा ना करिए, ना धियां साड़ियां बाहर खड़िया हो ना साडे बच्चे बाहर खड़े होने, चंगा नहीं लगता देखने वाले ने, चंगा नहीं लगता। मैं दो चार पूछा भी गुरुद्वारे कहदे वास्ते, दीवान की हाजरी भरने वास्ते, तो मैं इतने की करना है ऊँ ही खड़ा है। जिन्ना चिर तक असं लिसनर नहीं बनते, स्रोते नहीं बनते, उन्ना चिर तक सू समझ नहीं आ सकती। सो समुचे तौर पर हापड़ दिया संगतों का, इतों दिया संगतों का, प्रबंधकों का, उद्यमी नौजवान वीर का, जिन्ना सारा प्रम उलीकिया है, उन्होंने सारे का असं धन्यवाद करते हाँ। कदे फिर समा बनिया जरूर तुहाडे चरण परसांगे, गुरु प्यारे शब्द दीआं विचारां करदे आं, तुहाडे जो विचरदे आं, कोई अखर का वाधा घाटा हो गया होवे उसकी असी खिमा मंगांगे। और शब्दों की बेनती है कि मैगजीन के मैंबर बनो, लिटरेचर जी बार बार बेनती की गई है, एक दो दो सीडियां कैसटा किताबा जरूर लैके जाओ, जो साढ़े घर लिटरेचर होएगा असं अपने घर गुरबाणी दस सकते हैं। इन्होंने शब्दों के नाल तुहाडे कोल खिमा मंगदे आं, प्रशादा छक के लंगर तो बाद प्रशादा छक के असं नाल ही पंजाब में चल पैना, क्योंकि कल के समागम पंजाब दे विच ने, लगातार पहली तरीक तक ये सारे समागम चलने ने। प्यार विच भिज के गुरु प्यार वाले सारे सत्कार अदब नाल गज के आखो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली।